कल पूरे देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। लेकिन इसी पराक्रम दिवस पर गुजरात के बीजेपी विधायक ने नेताजी को आतंकवादी कह दिया। दरअसल बीजेपी विधायक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी फेसबुक पोस्ट में आतंकवादी लिख दिया। बीजेपी के इस विधायक का नाम है योगेश पटेल, जो गुजरात से विधायक हैं। योगेश को इनके इलाके के लोग बाबजी के नाम से जानते हैं। गुजरात बीजेपी के विधायक योगेश पटेल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वे आतंकवादियों के समूह के प्रमुख थे। वे समाजवादी आंदोलन की हिमायत के लिए जाने जाते थे। जैसे ही योगेश की ये पोस्ट वायरल हुई, उसके बाद लोगों ने योगेश को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी ने माफी मांगने और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर विधायक के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या मीडिया चैनल बीजेपी के गुजरात के विधायक योगेश पटेल की इस टिप्पणी पर डिबेट करेंगे, जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी बताया है। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक योगेश पटेल ने अपनी फेसबुक पोस्ट से इसे हटा दिया और आतंकवादी शब्द लिखे जाने के लिए माफी मांगी। उनका कहना था कि ये चूक गलत अनुवाद की वजह से हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।